हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। आज है मंगलवार और कल हम लोग का कल सोमवार था। कल अच्छे से दर्शन वगैरह हो गया, फिर वहाँ पर ही लोकल सब घूमे और फिर बाद में खाना खा के सो गए थे। आज सुबह में, आज मंगलवार है, आज सुबह में जल्दी उठ गए और वहाँ के वापस दर्शन किए, बाबा परली वैद्यनाथ के वापस दर्शन किए वगैरह। और वहाँ अभी जा रहे हैं हम लोग अम्बेजोगाई जा रहे हैं, जो योगेश्वरी माता बोलते हैं अम्बेजोगाई में, वहाँ पर जा रहे हैं। हम लोग ने बस ले पकड़ ली है और बस से जाएंगे। अच्छी बस है एकदम, लेकिन जम बहुत हो रही है। और मैं और हिमांशु के पापा जानते हैं, वो खिड़की का उजाला आता है, क्या मुँह पे उजाला आ रहा है। और बस अभी वहाँ जाके अम्बेजोगाई माता के दर्शन करवाऊँगी, बहुत अच्छा लग रहा है। और चलो वहाँ जाके मिलती हूँ आपसे। इसमें योगेश्वरी माता के मंदिर में हूँ और मैंने मेरा दर्शन हो गया है, आपको भी दर्शन करवा रही हूँ, दिखा रही हूँ किस तरह से मंदिर है। मंदिर है पूरा, हिमाशी के पप्पा यहाँ बैठे हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ से इस तरह से मंदिर है, तो जाना है यहाँ पर। बहुत ही अच्छे दर्शन हो रहे हैं आपको। दर्शन करके हम लोग बाहर आ गए हैं। दर्शन बहुत अच्छे से मिला हम लोग को, सुबह में जल्दी आए थे तो गर्दी नहीं है और एक रिमझिम बारिश भी चालू है, बहुत अच्छा लग रहा है। बताती हूँ आपको बाहर का भी, बाहर से मंदिर कैसा दिख रहा है। ये है बाहर से मंदिर, देख सकते हैं। ये है योगेश्वरी माता का मेन मंदिर है यहाँ पर। सकते हैं बहुत ही अच्छा आ रहा है मंदिर। ये सारा मंदिर परिसर है, कोई गर्दी नहीं है, शांतिता है, शांति है एकदम। हिमांशु के पापा बैठे हैं यहाँ पर। हेलो गाइस, बस से उतर के हम लोग रिक्शा पकड़ ले लिया करके 10-10 रुपये में डायरेक्ट मंदिर तक हम लोग को छोड़ा और मंदिर से चल के आ रहे हैं। देख, बताती हूँ आपको मंदिर कैसे परिसर। मंदिर का गेट देख सकते हैं, सुबह में जल्दी जल्दी है। श्री योगेश्वरी देवस्थान अम्बाजोगाई इस तरह से, और यहाँ से अंदर, ये अंदर का गेट है। ये भाग का सारा परिसर है, दीवा दांडी देख सकते हैं, पूरा परिसर है। से जाना है अंदर। सारा मंदिर का परिसर है, देख सकते हैं। कुछ है इसे जाना है, पूरा मंदिर परिसर है। रिम जिम ये यहाँ का प्रसादालय है।
जो उनको प्रसादाई ले ही यहाँ पर जो उन लोग का सारा काम चालू है। यहाँ से अंदर एंट्री गेट है, ये है एंट्री गेट, देख सकते हैं आप। जय योगेश्वरी देवी। यहाँ से अंदर दर्शन के लिए जाना है, ये है रास्ता। यहाँ पर योगेश्वरी के माता के मंदिर में प्रसाद बेचा प्रसाद दे रहे करके सारे लोग प्रसाद खा रहे, देख सकते हैं। हिमा जी के पापा भी प्रसाद खा रहे हैं इस तरह से। हेलो गाइस, मैं यहाँ काफी देर तक भोजनालय में आ गई हूँ। बिल्कुल फ्री भोजन है और बहुत स्वादिष्ट है, मैंने कल भी खाया और आज भी आई हूँ। मैं बताती हूँ आपको किस तरह मैंने सेवा भी की यहाँ पर करके, और बताती हूँ मैं आपको किस तरह से भोजनालय है, बताती हूँ मैं। यहाँ से एंट्री है, यहाँ से एंट्री है, देख सकते हैं। ये है अन्नपूर्णा माता। यहाँ पर काउंटर है जो इन लोग पावती वगैरह फाड़ते हैं। कुछ भी देना नहीं है आपको, अगर खाना खाने के बाद में आपका कोई इच्छा है तो कुछ भी आप अपने हिसाब से दे सकते हो। सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर अंदर इस तरह से लोग खाना खा रहे हैं। बहुत ही अच्छा है, स्वादिष्ट है और कोई भी आके खाना खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई छोटा बड़ा, जिसको भी आना है खाना खाओ और अपने हिसाब से जो कुछ भी देना है तो वो दे सकते हैं। यहाँ पर गणपति बाबा की भी मूर्ति है, ये है गणपति बाप्पा, देख सकते हैं। अन्न छत्र अन्नपूर्णा चैरिटेबल ट्रस्ट, ये कोई मंदिर के तरफ से नहीं है लेकिन जो अपने जैसे सब दाताओं मिलके सब लोग कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ के जो व्यापारी लोग हैं उन लोग ने स्टार्ट किया था और आज बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत जन उसमें दान पुण्य कर रहे करके, और इस तरह से बहुत अच्छा लगा, खाना भी बहुत अच्छा था। कृपा करके अभी खाना खाने बैठ गई हूँ और बताती हूँ प्रसादी में क्या है, आपको बता रही हूँ। सब्जी है, दाल है और एक सब्जी है, बूंदी राइस, जय इस तरह से जय जय इस तरह से जय। इस तरह से यहाँ पे भगवान की जय बोला जाता है, उसके बाद में खाने का स्टार्ट होता है। हम लोग सब लोग साथ में बैठे हैं, दिखाती हूँ आपको। सभी लोग खाना खा रहे हैं, या मेरे बाजू में भी ताई बैठे। हिमांशु के पापा खाना खा के चले गए, मैंने सेवा की पहले और बाद में मैं अभी खाना खा लेती हूँ। बॉम्बे बॉम्बे, ये ताई यहाँ पर पावती पर 100 रुपए 100 है। देनगी देने के बाद में इन लोग अपने को ओटी देते हैं, दिखाती हूँ आपको। 9850026 इस तरह से माता के भोग लगाई चावल है, घर की चावल है, प्रसादी है, माता का कपड़ा है। हाँ, के पार ना नहीं तो लोग बाहर वालों को नहीं चलेगा। ओके थैंक यू। हाँ, हर मंदिर में एक ही नंदी रहती है, यहाँ पर तीन तीन नंदी है, देख सकते हैं आप। तीन नंदी है, ये यहाँ का विशिष्ट है, ये पूरा मंदिर है, देख सकते हैं। गर्दी है इस तरह से। इसी अहिल्या बाई होड़कर जिन्होंने मंदिर का ये जीर्णोद्धार बनाया था, देख सकते हैं आप। बहुत ही अच्छा बनाया है मंदिर, ये दीवा डांडी है और ये इन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। हेलो गाइस, ये सामने मंदिर है परली वैजनाथ का, और यहाँ पर सब सारी छोटी छोटी दुकानें हैं जिससे आप हार फूल वगैरह ले सकते हैं। नीचे सब लोग बैठे होते हैं फूल वाले वगैरह, और ये धर्मशाला भी है अगर किसी को रुकना है तो इस तरह से।
गाइस। हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ सोमेश्वर महादेव आ गई थी करके। ये पगली ब्रजनाथ से 6 किलोमीटर दूर है। अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो यहाँ जीरेवाड़ी बोला जाता है, जीरेवाड़ी सोमेश्वर महादेव इस तरह से है करके। मैं वहाँ आई हूँ, दर्शन किया है। थोड़ा ऊपर चढ़ना है, इसके लिए हिमांशु के पापा नीचे ही बैठे हैं। मैं आके दर्शन किया, महादेव जी को चढ़ चढ़ाया, दर्शन किया, बहुत अच्छे से हुआ करके। ऊपर से पूरा गांव दिख रहा है, देख सकते हैं आप इस तरह। और ये थोड़ी सी सीढ़ियाँ है, जैसे अपना गांव में जू चंदर है, बस इस तरह से ही बोला जाता है। हिमांशु के पापा वहाँ नीचे बैठे हैं, देख सकते हैं आप, पूरा गांव दिख रहा है यहाँ से। थोड़े थोड़े बादल है। और ये है सोमेश्वर महादेव का मंदिर, देख सकते हैं सोमेश्वर महादेव। जय सोमेश्वर महादेव।